होता है, मतलब जब फर्स्ट टाइम किधर ट्रायल करते हैं तो ऐसा थोड़ा बहुत मिस्टेक्स तो होता ही। ये कंपलसरी आपको ये फिलअप करना है ऑनलाइन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग का फर्स्ट डे है सिंगापुर सीरीज का। हाँ, मतलब हम लोग अभी एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे, और हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग का जो फ्लाइट है वो रात के 1 बजे का है, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी 9 बजे आ गए। और जैसे आपने हम लोग का बाली का सीरीज देखा है या फिर दुबई का सीरीज देखा है, उसमें कैसे आपको सारे डिटेल्स मिले, सिमिलरली ये वाले सीरीज में भी पूरे आपको डिटेल्स मिलेंगे सिंगापुर के। और हम लोग यहाँ पे 7 डेज के लिए, राइट? यस, पूरा एक वीक है। तो हम लोग पूरा एक वीक है, उसमें और एक स्पेशल चीज़ ये है कि किंजल का बर्थडे एक दिन पे आने वाला है, 1 अप्रैल पे, वो भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो जैसे इन्होंने बताया कि फ्लाइट 1 बजे का है, बट हम घर से 7:30 बजे निकल गए थे क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, और आज मंडे है तो शाम के टाइम पे सारे ऑफिसेस छूटते हैं, तो हमने रिस्क नहीं लिया, हम जल्दी निकल गए। बट लकीली हमें ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला रास्ते में, और हम 8:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए। उसके बाद सारा प्रोसेस हमारा 1/2 आवर में कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम उसमें भी आज लकी थे, कुछ भी कहीं पे भी हमें भीड़ नहीं मिली। और फिर हम डिनर के लिए लाउंज में गए। अगर आपको नहीं पता कि लाउंज कैसे एक्सेस करना है आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से, सिर्फ 25 रुपीज़ या फिर 2 रुपीज़ पे करके, तो हमारा इंस्टाग्राम पे रील है एक डेडिकेटेड, आप उसे देखना मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर आई बटन में डाल दूंगी। सो गाइस, हम लोग को लाउंज के रील के नीचे ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि ये सब झूठ है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, 2 रुपये में कौन खाना देगा। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ये मेरे क्रेडिट कार्ड का है जो कि है HDFC मिलेनियर, राइट? तो उस पर से मेरा क्लियरली आपको देख सकते हैं कि मेरा 2 रुपये कट हुआ है उसके अंदर, और उसकी इसमें मैंने ये लाउंज एक्सेस किया है। और लाउंज जो है ना, वो मतलब आपको ऑब्वियसली वहाँ पे वेटिंग रहेगा ही, ऐसा नहीं रहेगा अगर हाँ आप ऐसे ऑफ टाइम पे जा रहे हो। अभी हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे 9 बजे, राइट? 8:30-9 बजे हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। तो ये प्रॉपर डिनर का टाइम है, तो वहाँ पे लाइन रहने वाला है। हम लोग 10 मिनट्स लाइन में रुके थे, अंदर भी जाने के बाद में थोड़ा रश था, बट हम लोग को बैठने को मिल गया, और फूड सॉर्टेड था, डिसेंट था फूड। मतलब हाँ, आप अगर आप इमेजिन कीजिए ना कि आपको 25 रुपीज़ या फिर 2 रुपीज़ दे रहे हो, तो उसमें आप क्या क्या मिलेगा। मैंने चिकन ग्रेवी और चपाती खाया, और इसने वेज खाया, प्लस उसके साथ वहाँ पे अल्कोहल भी है, उसके बाद में डाइट कोक वगैरह वो सब आपको मिलता है। तो और मैं तो बोलूंगी कि एयरपोर्ट में जो हम महंगा फूड खाते हैं ना, हाँ, उससे तो कई ज्यादा वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी लो, ये वाले फूड कोर्ट में आपको सब कुछ एक्सपेंसिव मिलेगा, और दिल भी चलेगा और भूख भी नहीं मिटेगा। और यहाँ पे भी भीड़ होती है जब आप पी कार में आओगे ना, तो काउंटर पे आपको भीड़ मिलेगा ही। उस हिसाब से आप अगर ये ऐसे लाउंज एक्सेस करोगे ना, तो आपको अच्छे से बैठ के खाना खाने को मिलेगा, मतलब एंजॉय करने को मिलेगा। और वहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, अगर आपका फ्लाइट लंबा है तो आप बैठ भी सकते हो। तो हम लोग नीचे आ गए क्योंकि हम लोग को ऐसे ही यहाँ पे घूमना था, बट हम लोग काफी लोग वहाँ पे बैठ के फिर फ्लाइट के टाइम पे सीधा फिर डिपार्चर के तरफ जाते हैं। हमारा फ्लाइट का गेट है वो 70 है, तो हम लोग थोड़ा आगे चलकर आए और बीच में कॉफ़ी पीने रुके थे, वहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत काम कर लिया, क्योंकि कल एक वीडियो लाइव होने वाला है यूट्यूब पे, तो उसका थंबनेल बाकी था बनाना, तो वो बना लिया। और अभी हम लोग गेट के यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा रील बनाए जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है, इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ने वाला है, और जिन्हें कुछ भी पता नहीं है कि प्रोसेस क्या होता है, तो थोड़ा ओवरवेल्म हो जाते हैं। क्योंकि जब मैंने मेरे लाइफ का फर्स्ट फ्लाइट पकड़ा था, तो मैं भी ओवरवेल्म हो चुकी थी, और कोई गाइड करने वाला था नहीं, क्योंकि अकेले फ़्लाइट लिया था। सो जो अकेले ट्रैवल करने वाले हैं ऐसे फर्स्ट टाइम, उनके लिए हम सोच रहे हैं कि एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बनाए या फिर रील बनाए। सो लेट अस नो कि अगर आप ऐसा कोई वीडियो देखना पसंद करोगे या नहीं। सिंगापुर वीज़ा का मैं आपको क्विकली प्रोसेस बता देती हूँ। हमने एक एजेंट को हायर किया था, और हमारा जो फीस है वीज़ा का वो 3500 पर पर्सन हुआ। यूजुअली 5 to 6 डेज वर्किंग डेज में आ जाता है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसके बाद, बट
हम रिकमेंड करेंगे कि एटलीस्ट 2 वीक्स पहले से आप प्रोसेस चालू कीजिए, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा एप्लीकेशन जाते हैं तो टाइम लग सकता है, और वो प्रोसेस के लिए आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट देना पड़ता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कौन से एजेंट के थ्रू करा रहे हो, क्योंकि हर एक एजेंट को उन्होंने डिफरेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिए। हमारा जो एजेंट था उसने हमारे पास से लिया था दोनों का भी पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट, फिर उसके बाद इनका 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, और हमने ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट ही दिया था, स्टैम्प वाला नहीं दिया था। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में कैरी किए। तो सबसे पहला तो ऑब्वियसली पासपोर्ट है, ओरिजिनल पासपोर्ट, और इसमें मेक श्योर करना है कि 6 मंथ्स का वैलिडिटी है। तो मेरा तो 29 में एक्सपायरी है, इनका 24 में है, तो हमारे पास फिर भी 1 ईयर का वैलिडिटी है। तो वैसे ही आपको ये देखना है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तो भी वैलिड होना चाहिए आपका, एक्सपायरी डेट 6 मंथ के बाद का होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हमारा यहाँ से मतलब मुंबई से सिंगापुर का फ़्लाइट टिकट है, इसका हम लोगों ने एक ऐसे प्रिंट आउट निकाल के रखा है, प्रिंट आउट नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद है ये सिंगापुर का वीज़ा, सिंगापुर का वीज़ा का प्रिंट आउट मस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पर इंडिया में भी इमिग्रेशन के टाइम पे पूछेंगे इसका हार्ड कॉपी। फिर उसके बाद है ये SG कार्ड और हेल्थ डिक्लेरेशन सिंगापुर गवर्नमेंट का, तो ये आपको फिलअप करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। वैसे आप वहाँ जाके भी कर सकते हो, बट उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये आपको मेल में ये सारी डिटेल्स आ जाता है, इसका PDF भी आता है, बट ये हमने सेफर साइड के लिए हार्ड कॉपी इसका प्रिंट आउट करके रखा है, ताकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा इशू ना हो। उसके बाद हम जहाँ स्टे करने वाले हैं उसका भी एक रिसीट का हम लोगों ने प्रिंट आउट रखा है, इनकेस अगर हमें वहाँ पर इमिग्रेशन में पूछा तो सिंगापुर में। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस का हम लोगों ने प्रिंट आउट लेके रखा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम यूजुअली भी कैरी करते हैं, बट ये स्पेसिफिकली टू सिंगापुर है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंगापुर पहुंचने के बाद इमिग्रेशन के प्रोसेस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, बट फिर भी ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, तो हमने प्रिंट आउट निकाल के रखा है इसका। और वैसे इंडिया में बहुत सिंपल इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, आपको पासपोर्ट इसमें कवर निकाल के आपको पासपोर्ट रेडी रखना है, उसके साथ वीज़ा का हार्ड कॉपी और आपका बोर्डिंग पास, ये तीनों आपको रेडी रखने हैं इमिग्रेशन के टाइम। और गाइस जब आप टिकट बुक करोगे ना तो आपको वहाँ पे PDF में सारा कुछ लिखा हुआ आएगा ही, बट फिर भी मैं आपको बता के रख रहा हूँ कि जो आपका लगेज बैग रहेगा जो आप चेक इन करवाते हो उसके अंदर आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखनी है जो कि फ्लेमेबल है या फिर बैटरीज है या फिर ई सिगरेट है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखनी है। और जो आप कैबिन बैग मतलब जो आप साथ में कैरी करते हो उसके अंदर आप बैटरी कैमरा ये सारी चीज़ें रख सकते हो, उसके अंदर भी ऑब्वियसली आपको लाइटर सिगरेट कैरी नहीं करना है या फिर नाइफ जैसी कोई चीज़ या फिर पॉइंटी चीज़ कैरी नहीं करनी है, तो ये माइंड में रखना है। और ये जो सारी चीज़ें ना वो आपको एक ट्रे में रखनी है, जब आपका सिक्योरिटी चेक होता है तो बैग में से सारा लैपटॉप कैमरा वो हम लोग यूजुअली हमेशा निकालते हैं, आप भी अगर ऐसा कुछ कैरी कर रहे हो तो सब कुछ निकाल के फिर से आपको भरना है, पर उसमें कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। और इनकेस अगर आपका कोई भी चीज़ ऐसा ट्रे है अगर वो सिक्योरिटी के पास जाता है तो जनरल सिर्फ इंस्पेक्शन रहता है, वो पूछते हैं, जैसे हम लोग को हमेशा रोकते हैं अगर हम लोग का माइक है या फिर गिम्बल है, तो सिक्योरिटी वालों को नहीं समझता कि एग्जैक्टली क्या है, तो सिर्फ पूछ लेते हैं वो लोग कि अरे ये क्या तुम लोग कैरी कर रहे हो, तो एक्सप्लेन करने के बाद वो लोग हम लोग को बोलते हैं कि हाँ आप लेके जा सकते हो, सिर्फ बोर्डिंग पास लेके वो थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं बोर्डिंग पास का जो भी डिटेल्स है वो, पर उसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप भी आराम से ये सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो। और गाइस काफ़ी सारे लोग आप ये पूछते हो कि आप करेंसी एक्सचेंज कहाँ करते हो, तो हम लोग मुंबई से ही प्रेफर करते हैं करेंसी को एक्सचेंज करना, हम लोग यूजुअली फॉरेन कंट्रीज़ में जाके नहीं करते, क्योंकि उसके पीछे 2 रीज़न है, एक तो आपको पता नहीं होता कि ऑथेंटिक फॉरेक्स एजेंट्स कौन है, और दूसरा आपको रेट थोड़ा हायर मिलता है एक्सचेंज रेट, तो इसलिए हम थाने से ही करके जाते हैं। हमने इस बार 1 लाख रुपीज़ कन्वर्ट किया है सिंगापुर डॉलर्स में, और हमें रेट मिला है 62.15 का, आज का जो सिंगापुर डॉलर का रेट है वो 61.78 समथिंग है, तो हमें 62.15 के रेट में हमने एक्सचेंज किया। सिंगापुर करेंसी में हाईएस्ट बैंक नोट है 1000 डॉलर्स का, बट हमने लिया है 100 डॉलर्स का नोट, उसके बाद 50 का, और उसके बाद 20, 10 और 2 डॉलर्स के हमने बहुत सारे नोट्स लिए, सो कुछ ऐसा दिखता है वो करेंसी, काफ़ी कलरफुल है। 11:55 हो रहा है और 1 आवर और है फ्लाइट डिपार्ट होने के लिए, बट एकदम टाइम पे है, विस्तारा का अनाउंसमेंट हो चुका कि फ़्लाइट रेडी है बोर्ड करने के लिए, सो अभी हम जा रहे हैं हमारे गेट की तरफ। और ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम विस्तारा में फ्लाई करने वाले हैं, इसके पहले हमने एयर इंडिया और बाकी के सारे फ्लाइट्स लिए हैं, बट विस्तारा कभी भी नहीं लिया है, अभी नहीं लिया, क्योंकि क्योंकि यूजुअली विस्तारा का फ्लाइट टिकट्स एक्सपेंसिव होता है, बट हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है वो विस्तारा का, एक क्लब विस्तारा का, उसका भी रील हम लोगों ने अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, उसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हम पॉइंट्स अक्यूमुलेट करते हैं और हमें फ़्लाइट में डिस्काउंट मिलता है और बेनिफिट्स मिलते हैं।
थैंक यू। ये वाले फ्लाइट में भी अपना मील इंक्लूडेड है? हाँ इंक्लूडेड। फर्स्ट क्लास कब बुक करेगी तुम? बहुत जल्द। देखना चेयर कितना मस्त है। मैंने फ्लाइट बोर्ड कर लिया है और फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा है विस्तारा का। हाँ वेल मेंटेन्ड है और जब बोर्ड करते समय पहले बिजनेस क्लास आता है उसका भी सीट्स हमें काफ़ी अच्छा लगा, मतलब प्रॉपर बिजनेस का क्लास जैसा था। हाँ काफ़ी कंफर्टेबल होगा। आई होप हम लोग जल्दी फ्लाई करेंगे बिजनेस क्लास में। और उसके बाद प्रीमियम इकोनॉमी था, तो प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी में मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। एक सिर्फ मेजर डिफरेंस ये मैंने नोटिस किया कि लेग स्पेस थोड़ा प्रीमियम इकोनॉमी में ज़्यादा है। जैसे ही बिजनेस क्लास खत्म हो जाता है तो ये प्रीमियम इकोनॉमी आता है, तो ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। हाँ मतलब प्रायोरिटी चेक इन वगैरह का फैसिलिटी ऑब्वियसली रहेगा प्रीमियम इकोनॉमी है तो। हाँ। हमें उसका अपग्रेड का ऑप्शन भी आया था 16,000 पर पर्सन में, बट हमने नहीं किया क्योंकि ज़्यादा लंबा फ्लाइट नहीं है, तो हमने सोचा कि नहीं करते और इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था। तो क्विकली हम लोग अभी आपको रिव्यू बता देते हैं और फ्लाइट में क्या क्या है वो भी बता देते हैं। तो जैसे ही हमने फ़्लाइट बोर्ड किया तो हमें बहुत वाइड स्माइल से हमारा वेलकम हुआ। तो जब वेलकम अच्छा होता है तो किसे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद उन्होंने हमें ये ईयरफोन्स हैंड ओवर किया। सो बेसिकली यहाँ पे एंटरटेनमेंट सिस्टम है, स्क्रीन है हमारे सीट के आगे क्योंकि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है। आई थिंक डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में स्क्रीन नहीं होता। तो ये बेसिकली मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा ईयरफोन्स है। ये ऐसा ईयरफोन्स है। अगर ये आप बिजनेस क्लास में रहोगे तो आपको हेडफोन्स मिलता है। तो क्वालिटी डिसेंट है, ओकेश है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये ब्लैंकी दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। ये ब्लैंकेट हमें, इसके पहले हमने एयर इंडिया में ट्रैवल किया था सिंगापुर, जब हम बाली जा रहे थे तभी, तो वहाँ पे हमें ब्लैंकेट नहीं मिला था। तो ये उन्होंने हर एक पैसेंजर को दिया है और अच्छे से पैक करके दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जैकेट वगैरह लाना भूल जाते हैं। पानी का बॉटल है। लेग रूम काफ़ी अच्छा है, मतलब आई थिंक 6 feet का भी कोई इंसान रहेगा ना तो उसके लिए भी इनफ स्पेस है लेग्स के लिए। प्लस फ्लाइट बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, विंडोज़ भी बहुत ज़्यादा क्लीन है, नहीं तो यूजुअली फ्लाइट में विंडोज़ मैले होते हैं। और गाइस विस्तारा का जो स्क्रीन है वो मुझे एमिरेट्स के स्क्रीन से काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जब एमिरेट्स में गए थे तो उधर का जो स्क्रीन है वो काफ़ी लैगी था, इसका काफ़ी स्मूथ है। और एवरी सीट में उन्होंने कोट हैंग करने के लिए या फिर जैकेट हैंग करने के लिए एक छोटा सा सॉकेट जैसा दिया हुआ है, तो वो भी एक अच्छा टच है। हम लोग छोटे छोटे डिटेल्स बता रहे हैं, बट ये स्क्रीन के नीचे ना उन्होंने दो ये दिए ईयरफोन्स के जैक, मतलब अगर दो लोगों को एक ही सीरियल देखना है फिर एक ही मूवी देखना है तो देख सकते हैं। और इसका और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। सो अभी तो लाइट है, बट अगर लाइट बंद हो जाएगा पूरे एयरक्राफ्ट का जब वो टेक ऑफ लेगा उसके बाद में, तो इधर दिखेगा नहीं कि जैक कहाँ पे है। तो अगर आप यहाँ पे टच करते हो तो ये देखो समझ जाएगा। और ये USB पोर्ट भी है। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, हम हमारा रिव्यू बता रहे हैं। हाँ हम अपने पैसे से आए और हम सिर्फ रिव्यू बता रहे हैं। सो दैट अगर आप भी कभी इस तरह से आने का सोच रहे हो तो आपको समझ जाए कि आपको क्या क्या मिलेगा। हाँ और एंड ऑफ द फ्लाइट में, मतलब जब हम सिंगापुर लैंड करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि जो एक्स्ट्रा हमने 3,000 या 4,000 पे किया है, जो हम लोग को इंडिगो में, हम लोग को 22 में पड़ रहा था, यहाँ पे हमें 27 में पड़ा है फ्लाइट, तो वो एक्स्ट्रा हम वर्थ इट है या नहीं है। अभी हम लोग रुके टेक ऑफ के लिए। आपात स्थिति में आपको नजदीकी निकास की दिशा दिखाएंगे। आपका नजदीकी निकास। डेजर्ट, फिर
उसके बाद ये आफ्टर मिंट है, पानी का छोटा बॉटल, और ये मेल मील का पार्ट है जो है यहाँ पे राजमा राइस यानी कि जीरा राइस है और एक ग्रेवी है, और उसके साथ ये फ्लाइट में अल्कोहल भी सर्व होता है, तो आप अल्कोहल भी प्रेफर कर सकते हो, बट हम लोग नहीं पी रहे अल्कोहल, तो इसके लिए हमने लिया है डाइट कोक, और जूस के भी कुछ ऑप्शन हैं। सो गाइस हम लोग फाइनली अभी सिंगापुर एयरपोर्ट पे लैंड हो गए, और काफ़ी अच्छा फ्लाइट था, बट नींद नहीं हुई ठीक से, है ना? नहीं हुई, उसके पीछे रीज़न है कि बाकी सब अच्छा था, सिर्फ जो सीट का नेकरेस्ट था ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड था और बहुत ऐसे ऊपर था। हम लोग अगर वो नेकरेस्ट वाला पिलो लेके आते थे ना तो हम लोग को अच्छे से नींद आता था, और सरप्राइजिंगली जो फ्लाइट था काफ़ी शांत था, कोई बच्चा रो नहीं रहा था। और दूसरा चीज़ उनका जो सर्विस है विस्तारा का वो हम लोग को सच में बहुत अच्छा लगा, फूड वगैरह बहुत सही है, और काफ़ी स्मूथ फ्लाइट था जैसे किंजल ने बोला। और अभी जैसे फ्लाइट से हम लोग उतरे तो वहाँ पे हम लोग का नॉर्मल चेकिंग हुआ, मतलब बैग का चेकिंग हुआ, और फिर वहाँ से हम लोग एंटर किए। सो अभी हम पहले हमारा लगेज कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी इमिग्रेशन का प्रोसेस होगा वो भी हम आपको बता देंगे, शायद शूट नहीं कर पाए वहाँ पे, बट होने के बाद आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे। और अराइवल सेक्शन तक जाने के लिए यहाँ पे आप स्काई ट्रेन भी ले सकते हो, बट हम लोग चल के जा रहे, थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, कब से बैठे हैं तो पैर भी ऐसे थोड़े जकड़ गए थे। बाय द वे हमारा जो फ्लाइट है वो टर्मिनल 3 पे लैंड किया है, और जब आप ट्रांजिट कर रहे हो तो यूजुअली वो टर्मिनल 1 या 2 पे आपका लेओवर होता है, जैसे हमारा बाली के टाइम पे हुआ। तो जिनके पास ये सारे पासपोर्ट्स हैं उनका ऑटोमेटेड इमिग्रेशन लेन्स है उनके लिए, मतलब अपना भी है उसमें इंडिया भी है, ये कंपलसरी आपको ये फिलअप करना है ऑनलाइन। आप सर्च करोगे कि SG अराइवल कार्ड तो भी आपको गूगल पे ईजिली मिल जाएगा, फिर भी हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इनकेस अगर आप घर से ही SG कार्ड नहीं फिलअप करके आते ऑनलाइन, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कियोस्क लगे हैं, और यहाँ पे एयरपोर्ट का स्टाफ भी है जो आपको गाइड करता है कि SG कार्ड को कैसे फिलअप करना है। प्लस यहाँ पे फ्री वाईफाई है, आप जैसे ही वाईफाई सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट का दिख जाएगा, और वो एकदम ही कम्प्लीटली फ्री, आपको कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है, तो और कनेक्ट हो जाएगा और आप फिलअप कर सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ, ये साइड पे जो है वो इमिग्रेशन, मतलब यहाँ के सिंगापुर के जो परमानेंट रेसिडेंट्स है या फिर उनके पास लॉन्ग टर्म पासपोर्ट होल्डर्स है उनके लिए इमिग्रेशन है वो, और अपना जो ये रेगुलर टूरिस्ट का जो इमिग्रेशन है वो यहाँ पर है। सो पहले इमिग्रेशन होता है और उसके बाद में आपको लगेज कलेक्ट करना रहता है, और इमिग्रेशन काफ़ी सिंपल था, मुझे तो कुछ भी नहीं पूछा, किंजल को सिर्फ पूछा कि सिंगापुर जा रहे हो कि नहीं, और बाकी तो नॉर्मल थंबप्रिंट और फोटो ले लेते, तो सॉर्टेड था और कुछ नहीं। और किंजल का बोर्डिंग पास मैंने घुमा दिया है, तो हम लोग को लगा कि इमिग्रेशन में पूछेंगे, पर उन्होंने किसी ने पूछा नहीं, तो आपका सब चीज़ें ठीक से रखो। मैंने या तो किधर तो बैग में रखा है, अभी मुझे मिल नहीं रहा है, या फिर मेरे पॉकेट में से गिर गया है, बट अभी हम लोग पहुँच गए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट सिंस फ़र्क नहीं पड़ता है तो घुमा मत दो उसको। हाँ करेक्ट। सो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस है टैक्सी बुक करने के लिए, ग्रैब तो काफ़ी फेमस है आप लोगों को पता ही होगा, गोजेक है जो कि बाली इंडोनेशिया में भी काफ़ी फेमस है, फिर राइड है, और ये एक टाड़ा करके है, और ग्रैब और गोजेक में डिस्काउंट है स्पेशली अगर आप न्यू यूज़र हो तो ग्रैब पे है $5 का डिस्काउंट और गोजेक पे है $8 का डिस्काउंट। तो एग्ज़िट पे एक और बार आपको सारे बैग स्कैन कराने हैं, इस बार आपको कुछ भी बैग में से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको एज़ इट इज़ बैग प्लेस कर देना है स्कैनर के यहाँ पे और आपका बैग स्कैन हो जाएगा। और उसी के साथ एग्ज़िट पे यहाँ पे उन्होंने सारे रेट्स बताए हैं कि आप एयरपोर्ट से सिटी में कैसे कम्यूट कर सकते हो या फिर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सो रेगुलर टैक्सी का ये उन्होंने रेट बताया यहाँ पे $30 to $45, लिमोजिन टैक्सी का, एयरपोर्ट शटल का
$10 है पर अडल्ट और चाइल्ड का, और लार्ज टैक्सी अगर आप बड़ा ग्रुप हो तो उसके लिए बस का $2 है और ट्रेन का $2 है, तो ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। बस टू सिटी के उन्होंने नंबर्स भी दिए कौन से बसेस जाते हैं। टेक बस 36 टू गो टू टाउन और ट्रैवलिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 60 मिनट्स है, और ट्रेन का है 45 मिनट्स। सो आपको फेमस वो ज्वेल तो पता ही होगा, तो वहाँ पे जाने के लिए भी टर्मिनल 3 से जाना होता है। अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो विदाउट वीज़ा तो आप टर्मिनल 3 में एंटर नहीं कर पाओगे, टर्मिनल 1 और 2 को ही एक्सेस होता है। हाँ, बट आपके पास सिलेक्टेड वीज़ाज़ है जैसे US वीज़ा है जो वाइडली एक्सेप्टेबल है, तो उससे आप ज्वेल में एंटर कर सकते हो, या फिर आपके पास वीज़ा भी नहीं से वो कंट्री के आप पासपोर्ट होल्डर हो तो आप ज्वेल को देख सकते हो, बट इंडियन पासपोर्ट को विदाउट सिंगापुर वीज़ा अलाउड नहीं है टर्मिनल 3 में एंटर करना। सो गाइज, एयरपोर्ट के बाहर आते ही आपको एक स्टॉल दिखेगा, तो वहाँ से हम लोगों ने ये कार्ड लिया है, ये टूरिस्ट कार्ड है। बस डिफरेंस ये है ना कि ये टूरिस्ट पास प्लस है, तो इसमें हम लोग बस टिकट और ट्रेन टिकट ये सारा इन्वॉल्व है, अपने को सिर्फ टैप करना है और हम लोग ये टैप करके यूज़ कर सकते हैं कोई भी ट्रेन स्टेशन पे, और ट्रेन एक्सेस कर सकते हैं या फिर बस एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी इसमें एक और के जो रेगुलर है वो $10 का आता है, $10 सिंगापुरियन डॉलर, और ये जो है ये 38 का एक है, $38 का एक है। तो उसको मैंने पूछा कि डिफरेंस क्या है, तो उसने बोला कि इसमें जो है आपको 3 दिन का अनलिमिटेड मिलता है, मतलब आप कितना भी टैप करो इसमें आपको 3 दिन तक कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने इसके पीछे रीज़न ये बोला ना कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आपका ट्रेन से जाना पहली बार है, तो आप पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप गलत स्टेशन पे उतर रहे हो या फिर बार बार किधर जगह पे टैप कर रहे हो, तो वो हेडेक हो जाएगी। अगर बैलेंस ख़त्म हो जाएगा $10 वाले कार्ड में तो आपको बार बार रिचार्ज करना पड़ेगा, तो वो हेडेक से बचने के लिए यू कैन टेक दिस कार्ड। और एक 3 दिन के बाद में यू गेट यूज टू इट कि कैसा यूज़ करना है मेट्रो एंड ऑल, देन आफ्टर दैट रेगुलर कार्ड जैसे इसको रिचार्ज कर सकते हैं। और इसका जो वैलिडिटी है ये 5 साल का है, मतलब अगर हम लोग अभी वापस घर पे जाते और कुछ साल के बाद में 1-2 साल के में वापस सिंगापुर आते तो इसको वापस यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आ रहे तो उनको भी दे सकते हैं, वो लोग भी यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हैं। सो $38 मतलब इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 2350 होता है। तो अभी हम लोग को मैंने एक्सपेंसिव वाला डिसीजन ले लिया ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि किंजल बोल रही थी $10 वाले ही ले लेना चाहिए था। हाँ, $10 वाला जो इजी लिंक का कार्ड था आई थिंक वो ज़्यादा चीपर होता था, बट लेट्स सी कि हम लोग को कैसा एक्सपीरियंस आता है। होता है, मतलब जब फर्स्ट टाइम की तरह ट्रायल करते तो ऐसा थोड़ा बहुत मिस्टेक्स तो होता ही है। और दूसरी चीज़, वैसे आपको कार्ड लेने की भी ज़रूरत नहीं है, MRT अगर आपको यूज़ करना है तो आप सीधा अपना जो रेगुलर आपका मास्टर कार्ड वीज़ा है उसको टैप कर सकते हो, ये फैसिलिटी है यहाँ पर। बट इसका प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने TCS अप्लाई किया है, मतलब कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो आपके कार्ड से तो उस पर 20% का TCS लगता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। दूसरी चीज़, हम लोग जो है वो कैश में लाए करेंसी पूरा, तो इसीलिए हमने यहाँ से ही कार्ड लेना प्रेफर किया। सो ये कार्ड हम लोग यूज़ करके देखते हैं और लास्ट में हम लोग आपको बताएंगे कि ये सच में वर्थ इट है कि नहीं, या फिर $10 वाला कार्ड लेना चाहिए। सो ये रेगुलर इजी लिंक कार्ड है, ये सिंगापुर टूरिस्ट पास है जिसमें हमने लिया है सिंगापुर टूरिस्ट प्लस पास, और उसके साथ ये देखो आपका कार्ड भी चलता है, मास्टर कार्ड चलता है, वीज़ा चलता है और बाकी के साथ में भी है, मोबाइल वॉलेट्स भी चलते हैं, यानी कि अगर आप एप्पल पे यूज़ करते हो तो वो भी चलेगा। सो अभी हम ट्रेन के लिए रुके हैं हमारे MRT के लिए, और MRT स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे मेट्रो का मतलब MRT का काफ़ी सारे डिफरेंट लाइंस है। हमारा जो होटल है वो ईस्ट वेस्ट लाइन पे है, यानी कि ग्रीन लाइन पे है, तो यहाँ से हम पहले ताना मारा जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग फिर से MRT चेंज करेंगे। एयरपोर्ट से निकले और फिर ताना मेरा पे रुके, अभी यहाँ से हम लोग को सीधा जाना है लेवेंडर।
गाइज बेस्ट पार्ट ये होटल का ये है ना कि ये मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 40 मीटर्स पे है। हम लोग जैसे ही ट्रेन में से बाहर आए ना, वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग को हार्डली 1 या 2 मिनट लगा रहेगा। तो ये हम लोग को सबसे अच्छा लगा और उसी रीज़न से हम लोगों ने ये होटल बुक किया। अभी हम लोग चेक इन कर लेते। सो गाइज ये हमारा रूम है, छोटा है, यहाँ पे टीवी है, कॉफ़ी, छोटा सा कबर्ड और हम लोगों ने सिटी व्यू लिया है। सो ये व्यू है, क्या मस्त व्यू है। और गाइज ये बाथरूम है, काफ़ी छोटा है, ये शॉवर एरिया है। गाइज सिर्फ एक चीज़, यहाँ के टॉयलेट में जेट स्प्रे नहीं है तो सिर्फ टिश्यू पेपर यूज़ करना पड़ेगा। सो जस्ट लेटिंग यू गाइज नो। सो गाइज एयरपोर्ट से हमारे होटल तक MRT से हमें पहुंचने के लिए हार्डली 15 to 20 minutes लगा और MRT को यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको समझने में हार्डली 4-5 मिनट लगेंगे। और स्टेशन से बिल्कुल ही पास में हमारा होटल है, इतना पास में है कि लिटरली हमें सिर्फ एस्केलेटर से उतरना और हमारा होटल आ जाता है। ये होटल का नाम है वी लैवेंडर, सिंगापुर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है स्पेशली स्टे। अगर आपको थोड़ा बेटर होटल या फिर बड़ा रूम चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13,000 पर नाइट के आसपास। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा रहेगा। हम लोग जितना भी डिटेल्स दे सकते हैं आपको हम लोगों ने दे दिए, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोग को पूछ सकते हो। अभी इसके बाद में जितने भी वीडियोज आएंगे वो प्रॉपर सिंगापुर एक्सप्लोर करने वाले आएंगे। सो पक्का देखिए और ये वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय गाइज।